नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube न्यूज़ चैनल पर मैं सभी पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है। पेंशनर्स जल्दी से निपटा ले ये सभी काम, नहीं तो रुक जाएगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी अपडेट निकल कर आई है ये हम आपको बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। अगर 31 दिसंबर तक पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो पेंशन का भुगतान रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 31 दिसंबर तक अपने जो जीवन प्रमाण पत्र हैं वो जमा करवाने होंगे। आइए आप सभी जान लें कि किस प्रकार से आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उसके लिए पहला तरीका है जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से। जी हाँ, अगर आप अपना जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना चाहते हैं तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा UTI द्वारा मान्य फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्मार्टफोन के जरिए ईमेल ID और मानकों का उपयोग करते हुए ऐप्स में बताए गए तरीकों से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट करके आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र अपना सबमिट करवा सकते हैं। पेंशन भोगी सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस यानी घर पर बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है ये है डाकिये से आप अपनी सेवा ले सकते हैं। नवंबर 2020 में डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा की थी। IPPB डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों के एक्सेस पॉइंट्स और स्मार्टफोन्स व बायोमेट्रिक डिवाइसेज से लैस डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के राष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा आपके पास जो चौथा तरीका है वो है जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उसकी शाखा में जाकर भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। आप डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं तो जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उसकी शाखा में जाकर आप इसे जमा कर सकते हैं। बैंक घर पर भी इसकी सेवा देते हैं, हालांकि इसके बदले आपको कुछ उनको शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा पांचवा तरीका है पेंशन कार्यालय में भी ये सुविधा है। आप जीवन प्रमाण पत्र सीधे केंद्रीय पेंशन कार्यालय में जाकर जो संपेंशन अधिकारी के माध्यम से जमा करा सकते हैं। हालांकि पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए सरकार ने घर से जमा कराने के कई विकल्प दे रखे हैं। आपको जो भी विकल्प सही लगता है आप अपनी मर्जी से चुनकर अपना जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर से पहले जरूर जमा करवा दें, जिससे आपकी पेंशन में कोई रुकावट न हो। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हमारे पेंशनर्स के लिए निकल कर आई थी कि 31 दिसंबर से पहले वो अपने जो भी उनका सूटेबल जो विकल्प हो उसके हिसाब से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें। दोस्तों, आगे ही जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।